नमस्कार कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सोचे जरा अगर आप किसी पिंजरे से पंछी को आजाद कर दें तो वो कितनी तेजी से उन्मुक्त गगन की तरफ उड़ता हुआ जाता है और कितनी दुआएं आपको देता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको आजाद किया और जो जगह उसके रहने की है वहां उसको विचलित करने के लिए। यही एहसास, यही खुशी आज से 65 साल पहले हम हिंदुस्तानियों को मिली जब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। जी हाँ, ये आजादी का एहसास एक ऐसा एहसास है जिसकी कल्पना हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पर उस आजादी को हम आज तक जी रहे हैं और उम्मीद करते हैं हम हमेशा इस आजादी को जीते रहेंगे। आजादी के मायने, आजादी से पहले क्या थे और आजादी के बाद 65 सालों में इसके मायने क्या हैं, ये वक्त के साथ बदलते हैं। पर आज कार्यक्रम मेरी बात में हम इसी विषय को लेकर आपके सामने आए हैं, आजादी के मायने। पर आज के इस विषय में हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 द्वारका के, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजादी के इस मौके पर हमारे साथ जो हमारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, आइए उनका परिचय हम आपसे करवा दें। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी, रिनाउंड पोएट हैं। इसके साथ साथ आप केंद्रीय हिंदी संस्थान और हिंदी अकेडमी के उपाध्यक्ष भी हैं, आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं श्री सुनील शास्त्री जी, शिक्षाविद और समाजकर्मी। इस श्रृंखला में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर एंड्रयू हेल, हिंदी डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह। हमारे साथ यहाँ पर डायरेक्टर हरियाणा साहित्य अकेडमी और चिकित्सक भी हैं आप और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं डॉक्टर श्याम सखा श्याम। लास्ट आखिरी मोर्चा एक महिला ने संभाला हुआ है यहाँ पर, श्रीमती सुभद्रा बहुगुणा, प्रिंसिपल हैं डीएवी पब्लिक स्कूल। दोस्तों, आजादी के मायने सबके लिए जुदा होते हैं, सबके लिए अलग अलग होते हैं। आपके लिए आजादी के मायने कुछ और होंगे, बच्चों के लिए कुछ और होंगे और हमारे लिए आजादी के मायने कुछ और है। तो सबसे पहले यही सवाल है आप लोगों से कि आप आजादी को किस तरह से लेते हैं, आपके नजदीक आजादी का मायना क्या है? आजादी के मायने आजादी से पहले और आजादी के बाद बदलते आए हैं। आजादी से पहले हमारे मायने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम थी। सोशल फ्रीडम हमें उन सब नियमों से चाहिए थी और कुप्रथाओं और रीति रिवाजों से चाहिए थी जो हमारे सुख का नहीं बल्कि दुख का कारण बन रही थी। इकोनॉमिक फ्रीडम हमें उन सब नियमों से चाहिए थी जिनके चलते हमारे किसान भाई बहन अपने मनपसंद की फसलें नहीं उगा सकते थे। और पॉलिटिकल फ्रीडम हमारे मॉडरेट्स को चाहिए थी ताकि वह भी अपना पक्ष पार्लियामेंट में रख सके। आजादी के बाद हमारी आर्थिक व्यवस्था, जो ब्रिटिश सरकार ने बहुत उथल पुथल, हमारी आर्थिक व्यवस्था में बहुत उथल पुथल मच गई थी जी। तो नेहरू जी ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसके लिए हम लोग सिर्फ पहले अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारेंगे किसी और देश से दोस्ती या वो करने की वजह। और उसी समय हमारे देश में ह्यूमन राइट्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे। इस समय की बात की जाए तो हमारे लिए आज़ादी ये है कि छात्र छात्राओं को उनकी पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए और जो विमेन हैं उनको भी पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, तभी हमारा देश तरक्की की राह पर अग्रसर रह सके। एक विद्यार्थी होने के नाते मैं तो ये चाहूँगी कि हमें भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए। जो शिक्षा तंत्र है उसमें भ्रष्टाचार है, पर हमें उससे आज़ादी चाहिए और हमें भूखमरी से आज़ादी चाहिए, गरीबी से आज़ादी चाहिए। एक छात्र होने के नाते मेरे हिसाब से आज़ादी है जब हमें टेररिज्म से आज़ादी मिलेगी, तब जब हमारे पास लोगों को खिलाने के लिए काफ़ी अनाज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट से आज़ादी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से आज़ादी मिलेगी और एक हमारा भारत देश विकासशील देश के बजाय विकसित देश कहलाया जाएगा। मेरे हिसाब से यही आज़ादी। एक स्टूडेंट होने से पहले मैं एक लड़की हूँ और आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं लड़कियों की कोई सेफ्टी नहीं है। जहाँ पहले लड़कियाँ काम करती थी
बाहर जा सकती थी। आजकल की दुनिया वैसी नहीं रही। लड़कियों को बाहर निकलने से पहले, दिन में भी बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। लड़के तो घूम सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं? दिन रात बाहर जब भी वो चाहें, इतनी सेफ्टी उनको मिलनी चाहिए कि वो कभी भी बाहर जा सकें। एक स्टूडेंट होने के नाते तो हम यही कहेंगे कि हमें आज़ादी हमें दी जाती है पढ़ाई करने की। हमारे माँ बाप हमारे लिए पैसा कमाते हैं और हमें एक स्कूल में भेजते हैं क्योंकि हम बड़े होके अपने अपने पैरों पे खड़े हो पाए। तो हमारे लिए अपने पैरों पे खड़े होना ही एक बहुत बड़ी आज़ादी है। जोर दबा लिया, अपने पैरों पर खड़े हैं हम, ये एक बहुत बड़ी आज़ादी का एक सूचक है। अच्छा, आज़ादी के बाद एक बहुत प्रसिद्ध नारा था, जय जवान। वेरी गुड। तो मुझे ये बताएं कि जय जवान जय किसान जो नारा है वो किसने दिया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा हमें नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। उनका यह मानना था कि हमारे देश के दो मेन स्तंभ हैं, एक जवान और दूसरा किसान। अगर हमारे किसान भाइयों को पूरी तरह से सुविधाएं प्रदान होंगी तभी वो ज्यादा से ज्यादा अनाज उगा पाएंगे और हमारे यूथ को, हमारे फौजी भाई जो सरहदों पर लड़ रहे हैं उनको पूरी तरह से ताकत और सामर्थ्य मिलेगा। और आपको मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र श्री सुनील शास्त्री जी आज हमारे शो में हैं और ये बड़ी ही खुशनसीबी हमारी कि सर एक ऐसी शख्सियत लाल बहादुर शास्त्री, बहुत ही जमीनी व्यक्तित्व और जिसने हिंदुस्तान को एक दिशा दी, आप उनके बेटे हैं। जब आजाद हुआ हिंदुस्तान तो आप अपने पिताजी के साथ हर वक्त रहते होंगे, उस वक्त क्या हिंदुस्तान को लेकर, इसकी उन्नति को लेकर उनके जहन में, लाल बहादुर शास्त्री जी के जहन में क्या चल रहा था? मैंने बाबूजी को बचपन से ही, जब से मैंने वो संभाला तब से मैंने उनको देखा, देश के प्रति उनके मन में बड़ी इज्जत, बड़ा सम्मान, बड़ी श्रद्धा थी और वो चाहते थे कि रहने वाला व्यक्ति भारत को महान बनाए, बड़ा बनाए और इतना महान बन गया है हम सब कि पूरे देश नहीं पूरी दुनिया हमारे देश को देखे। तो बाबूजी की ऐसी आशा थी, ऐसा उनकी इच्छा थी। और मुझे एक घटना याद आती है, जिस समय वो ये पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था 1965 में, तब बाबूजी का मैंने देखा कि उस समय मेरा काफ़ी संपर्क में 14-15 साल का था तो उससे बातचीत होती थी। तो मैंने उससे एक बार पूछा कि अभी ये आप लड़ाई हो रही है, इसमें कैसे हम लोग जीतेंगे? क्योंकि वहाँ तो स्कूल हैं, बाबू जी बड़े मुस्कुरा कर हंस कर बोले कि अब वो मैंने भूल गया कि वो तो प्रधानमंत्री थे, उनको तो सब मालूम है। हम तो रेडियो से सुनकर उनके पास भाग के गए कि अमृतसर पर रॉकेट गिरा और उनको बताने, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुनील को चिंता नहीं, हमारे बहादुर जवान जो है वो इस सब लड़ाई को बड़ा अच्छी तरह से लड़ेंगे। और जब जनरल चौधरी और मैं उस समय चाबी का जो दरवाजे में उसकी होल से मैं झांक कर देख रहा था, कोशिश कर रहा था एक आंख बंद करके दूसरे से कि दोनों जनरल क्या करते हैं, जनरल और चीफ और आर्मी और एयरफोर्स का। तो दोनों ने बड़ा खड़े होकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से शास्त्री को सलूट किया और चले हैं बाहर कमरे से। और दोनों के अंदर बड़ा हौसला बुलंद था, बहुत देवर एक्साइटेड, देवर इनकरेज ऐसा लगा मुझे। और उसके बाद चल दिए वो लोग। मैंने फिर बाबूजी के पास मैं रुका नहीं, मैं अंदर कमरे में चला गया, मैंने पूछा कि बाबूजी आपने क्या कहा उनसे? तो उन्होंने, शास्त्री जी ने कहा, तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई आप सेना के प्रमुख हैं, आप एयरफोर्स के प्रमुख हैं और ये लड़ाई शुरू हो गई है, इसमें जहाँ तक सीमाओं पर, जहाँ तक देश की रक्षा का सवाल है वो आपको करना है क्योंकि आप ही उसके लिए काबिल हैं, आप ही उसके लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। जहाँ तक देश को संभालने की बात है वो प्रधानमंत्री के रूप में मैं देश को एकत्र करके एक साथ संभाल के रखना चाहिए। और ये वाकई में सुनील शास्त्री जी हमें बता सकते थे, जो ये जो बात आज हमारे सामने आई है किस तरीके से वो अपने देश से प्रेम करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी और कितने सरल तरीके से उन्होंने दोनों चीफ से कह दिया कि भाई
जो सरहद है वो आपको संभालेंगे। निस्संदेह उस वक्त के व्यक्तित्व और वही फूल आज भी हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के रगों में दौड़ रहा है और वही जवान आज भी सरहद पर मुस्तैद है अपने हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए। हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए जहां पर फौजी एक तरफ होते हैं, वहां पर फिल्मकार भी, संगीतकार भी, गीतकार भी, कवि भी, साहित्यकार भी, सभी अपना अपना रोल बखूबी निभाते हैं। और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो देशभक्ति पर आधारित हैं, ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो देशभक्ति पर आधारित हैं और जो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को भर देते हैं। आइए अब हम ऐसे ही कुछ देशभक्ति नगमे आपको सुनवाते हैं और उसका आप लुत्फ उठाएं, उसके बाद कुछ सवाल हम आपसे करेंगे।